कन्नौज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला हुआ है। केशव प्रसाद के 80 सीटें जीतने वाले बयान पर कहा, पिछड़ों को धोखा देने के लिए इनसे कहलवाया जाता है, सबसे बड़े झूठ वाले भाजपा हैं। काउ मिल्क प्लांट का पत्थर बदलने पर भी घेरा गया है। कहा, प्लांट चला नहीं पाए, बस नाम के लिए पत्थर अपना लगवा लिया है। इत्र पार्क जल्द चालू होने पर कहा, ये गोबर सरकार है, इत्र कारोबार शुरू करने की उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती है। वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर को बजट व सुविधाएं ना देने पर भी कटाक्ष किया है। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण पर भाजपा नेताओं के बयानों को लेकर घेरा है। कहा, डबल इंजन सरकार के ट्विन डिप्टी सीएम ट्विन टावर निर्माण के दोषियों पर कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं। सड़क पर गड्ढों को लेकर भी सरकार को घेरा गया है। लखनऊ जाते वक्त अचानक अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और काउ मिल्क प्लांट व वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर तिरवा में चाय चौपाल लगाकर लखनऊ के लिए पूर्व सीएम रवाना हुए हैं। थोड़ी कार्रवाई पड़ी है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे भैया? सरकार दावा कर रही है गड्ढा मुक्त सरकार रोड रहेगी। आप अभी जिस रोड से आए हैं उसमें आपको गड्ढे जो मिले उसमें हम और आप अगर तीन कदम आगे चल जाएं तो हम और आप डूब जाएंगे। इतने बड़े गड्ढे हो गए भैया। आप अगर पत्रकार साथियों बाएं से अगर इधर चले जाओ तो डूब सकते हो। हम तो चाय इसलिए नहीं पी पा रहे कि इतना बड़ा गड्ढा है जिसमें एक मीटर पानी बह रहा है। एक मीटर पानी बह रहा है, अगर हम जाएं तो हो सकता है हमें पजामा ऊपर करना पड़ेगा तब जा पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य कन्नौज आए थे, वो कह रहे थे 2024 में सभी सीटें जीतेंगे, अखिलेश को भी हरा देंगे। तुम बात नहीं समझ रहे हो, हारे हुए लोग क्या कह रहे हैं, हारे हुए लोग क्या कह रहे हैं। और सुनिए, ये पिछड़ों को धोखा देने वाले हैं, ये जानबूझ करके, क्योंकि उनके जो लोग हैं वो इनसे इसलिए बुलवाते हैं कि ये पिछड़े जाति से आते हैं। काउ मिल्क प्लांट को मैं देखने गया, ये वही काउ मिल्क प्लांट है जिसको समाजवादी सरकार में शुरू किया गया था। बहुत दुख की बात है और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी पटिया नहीं लगी, लेकिन जिन्होंने इसको इसका कबाड़ा कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया, इस काउ मिल्क प्लांट को ध्वस्त कर दिया, उन्होंने अपनी पटिया लगाई हुई है। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि गरीबों का इससे भला होता। न केवल मैं काउ मिल्क प्लांट देखा बल्कि मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी देखा, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो है जहाँ पर टमाटर, आपकी ब्रोकली, आपकी शिमला मिर्च और तमाम सब्जियों का उत्पादन होता था, वहाँ से बहुत किसान ले जाते थे। वहाँ भी नाम किसी बीजेपी के नेताओं ने अपना लिख लिया, दोनों ही किसानों से जुड़े काम थे। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बर्बाद किया है, ना कोई बजट है, ना बिजली जा रही है, सड़क भी खराब है, और जो पर्याप्त बजट मिलना चाहिए था वो भी नहीं। और आज